पंजाब में कपास के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पंजाब में 1 नवंबर को कपास के दाम 10,500 रुपये क्विंटल तक पहुंच गए। इससे पहले कभी भी कपास के दाम इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। कपास के दामों में भारी बढ़ोतरी होने की वजह से इस साल पैदावार का बेहद कम होना है। पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से बताया गया है कि कपास के दाम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा हो चुके हैं। हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि 10,500 रुपये प्रति क्विंटल में कितनी कपास खरीदी गई है। 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कपास की MSP 5,925 रुपये क्विंटल तय की हुई है, लेकिन पैदावार में कमी की वजह से दामों में 70% का इजाफा देखने को मिल चुका है। इतना ही नहीं, ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कपास के दामों में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ग्लोबल मार्केट में भारतीय कपास की अच्छी खासी मांग रहती है, तो इसलिए दाम बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पंजाब के जिन जिलों में कपास की खेती होती है, वहां अब तक 6.3 लाख क्विंटल कपास की खरीदी हो चुकी है। पिछले साल पंजाब में करीब 50 लाख क्विंटल कपास की पैदावार हुई थी, लेकिन इस साल गुलाबी सुंडी की बीमारी ने कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, इसलिए पैदावार बेहद कम हुई है। पंजाब सरकार के मुताबिक मनसा और बठिंडा में गुलाबी सुंडी की वजह से कपास को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इन दो जिलों में कपास के दाम 9,300 से 9,600 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।